हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज 8 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ आज महिला दिवस की सभी महिलाओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथ ही साथ यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं, तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द देहरादून मसूरी रोपवे प्रोजेक्ट विच इज कंसिडर्ड टू बी ए टूरिस्ट नोवेल्टी। द 300 करोड़ रुपीज रोपवे प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 3 ईयर्स। पोमा ए फ्रेंच कंपनी विच मैनुफैक्चर्स केबल ड्रिवन प्रोजेक्ट will provide the technical support to the ropeway which will be built on the PPP mode. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून मसूरी रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी है। इसे एक पर्यटक नवीनता माना जा रहा है। 300 करोड़ रुपए की लागत वाले रोपवे प्रोजेक्ट के 3 वर्ष में पूरा होने की उम्मीद है। केबल संचालित परियोजना का निर्माण करने वाली फ्रांसीसी कंपनी पोमा रोपवे को तकनीकी सहायता प्रदान करेगी, जो पीपीपी पब्लिक प्राइवेट मोड पर बनाए जाएगी। नेक्स्ट, इन मध्य प्रदेश एंशियंट ट्राइबल लैंग्वेज गोंडी विल बी टॉट इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर कमलनाथ हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड गोंडी इन द प्राइमरी एजुकेशन करिकुलम ऑफ द स्टेट्स ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स। मध्य प्रदेश में आदिवासी जिलों में प्राचीन जनजातीय भाषा गोंडी पढ़ाई जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गोंडी को राज्य के आदिवासी बहुल जिलों के प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, द सीसीए हैज अप्रूव्ड 2,790 करोड़ रुपीज इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर एक्सटेंडिंग लोन्स बाय बैंक्स टू सुगर मिल्स। दिस इज इन एडिशन टू 1,332 करोड़ रुपीज ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स इन June 2018। सीसीए ने चीनी मिलों को बैंकों द्वारा ऋण देने के लिए 2,790 करोड़ रुपए के ब्याज सबवेंशन को मंजूरी दी है। यह जून 2018 में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा पहले से स्वीकृत 1,332 करोड़ रुपए के अतिरिक्त है। नेक्स्ट, आइए बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। द वेनेजुएलन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू एक्सपल जर्मन एम्बेसडर डैनियल क्रेनर फ्रॉम द कंट्री। प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो एम्बेटेड गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द जर्मन एम्बेसडर पर्सोना नॉन ग्राटा एंड ऑर्डर्ड हिम टू लीव द कंट्री विद इन 48 आवर्स। वेनेजुएला सरकार ने जर्मन राजदूत डैनियल क्रेनर को देश से निष्कासित करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार ने जर्मनी के राजदूत व्यक्ति को नॉन ग्रेटा घोषित किया है और उन्हें 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है। नेक्स्ट, जस्ट इन टाइम फॉर इंटरनेशनल वुमेन्स डे नासा अनाउंस्ड दैट इट विल बी कंडक्टिंग द फर्स्ट एवर ऑल फीमेल स्पेस वॉक। एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच एंड एन मैकेलन will exit the International Space Station on March 29. 35 years after the first woman performed a spacewalk, they will be guided from the ground by Flight Director Mary Lawrence and Flight Controllers Jackie Kagi and Kristen Fasciol. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए समय पर नासा ने घोषणा की है कि वह पहली बार ऑल फीमेल स्पेसवॉक का आयोजन करेगा। पहली महिला द्वारा अंतरिक्ष स्पेसवॉक करने के 35 वर्ष बाद 29 मार्च को अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच और एनी मैकेलन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकलेंगी। उन्हें फ्लाइट डायरेक्टर मैरी लॉरेंस और फ्लाइट कंट्रोलर जैकी कैजी और क्रिस्टन फैसियोल द्वारा जमीन से प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट,
Malaysia has become a member of the International Criminal Court. The ICC is the world's only permanent war crimes court and aims to prosecute the worst abuse when national courts are unable or unwilling. Malaysia became the 124th member of the court since its establishment in 2002. मलेशिया अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का सदस्य बन गया है। आईसीसी दुनिया की एकमात्र स्थायी युद्ध अपराध अदालत है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अदालतों के असमर्थ या अनिच्छुक होने पर सबसे गलत व्यवहार पर मुकदमा चलाना है। मलेशिया 2002 में अदालत की स्थापना के बाद इसका 124वां सदस्य बन गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बिजनेस बैंकिंग इकोनॉमिक न्यूज, व्यापार बैंकिंग और अर्थव्यवस्था समाचारों की। India has signed a loan agreement with the World Bank for $96 million for additional financing of Uttarakhand disaster recovery project. भारत ने विश्व बैंक के साथ उत्तराखंड आपदा बहाली परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण हेतु $96 million के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। Next, the center has announced a new 20 rupees coin which will come in 12 gauged polygon shape. The government is also planning to release new coins of 1, 2, 5 and 10 rupees. However, the government has not announced the exact date for the issuance of these new series coins. The finance ministry states that the new 20 rupees coin will be made in copper, zinc and nickel. It will be 27 mm and weight 8.54 grams. The lion capital symbol of Ashoka pillars will be legend Satyamev Jayate. Below it will be incredible. On its front side, the word Bharat in Hindi and India in English will be there on the right and left side hand side of the symbol respectively. Kendra ne ek naye 20 rupaye ke sikke ki ghoshna ki hai jo 12 dharit bahubhuj ke aakar mein aayega. Sarkar 1 rupaye, 2 rupaye, 5 rupaye aur 10 rupaye ke bhi naye sikke jari karne ki yojana bana rahi hai. हालांकि सरकार ने नई श्रृंखला के सिक्कों को जारी करने की सही तारीख की घोषणा नहीं की है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि नया 20 रुपए का सिक्का तांबा, जस्ता और निकल से बनाया जाएगा। यह 27 मिलीमीटर का होगा और इसका वजन 8.54 ग्राम होगा। सामने की ओर अशोक स्तंभ के प्रतीक सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष के नीचे सत्यमेव जयते उत्कीर्ण होगा। हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया शब्द प्रतीक में क्रम से दाई और भाई और होंगे। Next, the National Green Tribunal has slapped a fine of 500 crore rupees on German auto major Volkswagen for damaging the environment through the use of cheat device in its diesel car in India. A bench headed by NGT chairperson Justice Adarsh Kumar Goel directed the care maker to deposit the amount within 2 months. National Green Tribunal ne जर्मन ऑटो प्रमुख फॉक्स वैगन पर भारत में अपनी डीजल कारों में चिट डिवाइस के उपयोग के माध्यम से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली न्यायपीठ ने कार निर्माता को 2 महीने के भीतर राशि जमा करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हैव फॉर्म्ड ए वर्किंग ग्रुप on the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. The joint working group to be chaired by Dinesh Arora, Deputy CEO of NHA, will have 10 members from both the organizations. In 6 months, it will submit a report on how to detect and deter fraud through a common repository and capacity building. Bharatiya Bima Niyamak aur Vikas Pradhikaran IRDI और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर एक कार्य दल का गठन किया है। NHA के डिप्टी CEO दिनेश अरोड़ा की अध्यक्षता में बनने वाले संयुक्त कार्यदल में दोनों संगठनों के 10 सदस्य होंगे। 6 महीने में यह एक सामान्य रिपोजिटरी और क्षमता निर्माण के माध्यम से धोखाधड़ी का पता लगाने और पता लगाने के तरीके के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट द OECD कट फोरकास्ट again for the global economy in 2019 and 2020. Following on from previous downgrades in November, as it warned that trade disputes and uncertainty over Brexit would hit world commerce and business, OECD ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए 2019 और 2020 में पूर्व से पूर्वानुमानों में कटौती की है, जो कि नवंबर में पिछली गिरावट
से पहले थे, क्योंकि यह चेतावनी दी थी कि ब्रेक्सिट को लेकर व्यापार विवाद और अनिश्चितता विश्व वाणिज्य और व्यवसायों को प्रभावित करेगी। नेक्स्ट, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड ए बैंक एश्योरेंस डील विद प्राइवेट लाइफ इंश्योर HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। थ्रू दिस पार्टनरशिप यूनाइटेड बैंक्स कस्टमर्स विल बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ HDFC लाइफ्स एक्सपर्टीज इन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड कस्टमर सर्विस। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने निजी जीवन बीमा कंपनी HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के माध्यम से यूनाइटेड बैंक के ग्राहक जीवन बीमा उत्पादों, वितरण और ग्राहक सेवा में HDFC लाइफ की विशेषज्ञता का लाभ उठा सकेंगे। नेक्स्ट, मिसलेनियस न्यूज विविध समाचार। इंडिया एंड पैराग्वे हैव एग्रीड टू आइडेंटिफाई सेक्टर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट टू प्रमोट बायलेटरल इन्वेस्टमेंट एंड डिसाइडेड टू एक्सप्लोर न्यू एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड स्पेस एंड बायोटेक्नोलॉजी। द डिसीजन वर टेकन एज वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू विजिटेड द कंट्री। भारत और पैराग्वे ने द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए आपसी हित के क्षेत्रों की पहचान करने पर सहमति व्यक्त की है और सूचना और प्रसार, संचार प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष और जैव प्रौद्योगिकी सहित सहयोग के नए क्षेत्रों का समन्वेषण करने का फैसला किया है। यह निर्णय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के दौरे के दौरान लिया गया है। टेक जायंट गूगल हैज अनवील्ड ए न्यू ऐप बोलो दैट एम्स टू हेल्प चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल लर्न टू रीड इन हिंदी एंड इंग्लिश। द फ्री ऐप विच इज बींग लॉन्चेज इन इंडिया फर्स्ट यूज गूगल्स स्पीच रिकॉग्निशन एंड टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी दिग्गज गूगल ने एक नए ऐप बोलो का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य प्राथमिक स्कूल के बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ना सीखना है। यह एक मुफ्त ऐप है जिसे सबसे पहले भारत में लॉन्च किया जा रहा है। यह गूगल की स्पीच रिकॉग्निशन और टेक्स्ट टू स्पीच तकनीक का उपयोग करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, यह थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे वीडियोस को शेयर और करें और यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज महिला दिवस की सभी महिलाओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यूवी कंपटीशन परिवार आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।